नमस्कार 15 जुलाई को रिलायंस ने अपनी एजीएम में कई सारी अनाउंसमेंट्स की जैसे कि रिलायंस 5G जी एंड्रॉयड फ़ोन लाने वाला है रिलायंस अपना कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला है रिलायंस मिक्स रियलिटी ग्लासेस लेके आ रहा है वगैरह वगैरह लेकिन इसी ए में रिलायंस ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसे सुनकर अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने बॉयकॉट चाइना मूवमेंट पर यह किया था या फिर ये किया था या फिर, या फिर यह किया था या फिर आप उन लोगों में से हैं जो यह जानना चाहते हैं कि आखिर इंडिया चाइना को हरा कैसे सकता है तो फिर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है रिलायंस ने इसी एजीएम में एक ऐसी अनाउंसमेंट की कि रिलायंस 5G टेक्नोलॉजी में होम ग्रोन एंड टू एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डेवलप कर चुका है टेलीकॉम डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडिया के फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लीडर बनना चाह रहा है मैं समझता हूं कि ये एक वाटर शेड मूवमेंट है न सिर्फ रिलायंस के लिए बल्कि पूरी इंडिया के लिए यह एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए आखिर क्यों यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग इंडियन आई इंडस्ट्री के बारे में राजीव गांधी जी ने जो कंप्यूटर और टेलीकॉम सेक्टर में चेंजेस किए उसके कारण इंडियन आई इंडस्ट्री को बहुत बड़ा पुष्ट मिला और यही कारण है कि आज बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ अपने आप को मल्टी कंपनीज़ कह सकती है हमारी शुरुआत हालांकि बॉडी शॉपर से हुई थी मतलब हम सिर्फ चीप इंडियन आईटी लेबर प्रोवाइड करते थे लेकिन धीरे धीरे इंडियन कंपनीज ने कंसल्टिंग जैसी वैल्यू एडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी और मेरे ख्याल से ये बहुत ही सराहनीय कदम था कुछ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी डेवलप किए गए स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए लेकिन ओवरऑल इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिसे देखकर हम यह कह सकें कि हम ग्लोबल आईटी सुपर पावर बन गए हैं हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 20-25 सालों में इंडिया में जो तरक्की हुई है उसमें इंडियन आई इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है लेकिन हम आई में ग्लोबल सुपर पावर बन सके ऐसी कोई भी विजन या लीडरशिप मुझे नहीं दिखाई दी है और इसीलिए जब एक ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनी ऐसा काम करती है जिसे देखकर हम गर्व से यह कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में भी कुछ कर सकते हैं तो फिर वह हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट बन जाता है आई थिंक उसके पहले हम बात करते हैं फाइव टेक्नोलॉजी के बारे में वाई फाइव जी सो इंपॉर्टेंट टू एवरी वन देखिए टू के बाद जब 3G और 4G आए तो ऐसे बहुत सारे काम पॉसिबल हो सके जो पहले नहीं हो सकते थे जैसे कि राइड शेयरिंग मिल डिलीवरी एक्सेट्रा यहाँ तक कि आप घर बैठे बैठे अपनी फैक्ट्री या दुकान को जो किसी और स्टेट में भी हो सकती है आज आप आराम से मैनेज कर सकते हैं लेकिन 5G टेक्नोलॉजी कोई इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजी नहीं है ना सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में यह बहुत बड़ा कदम है बल्कि हमारे जीवन में भी यह ऐसे परिवर्तन ला सकता है जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते अगर हम वर्चुअल रियालिटी को फाइव कनेक्शन के साथ में जोड़ते हैं तो हम घर बैठे बैठे किसी भी मैच का इस तरह से मज़ा उठा सकते हैं जैसे कि हम स्टेडियम में ही बैठे हो ग्लोबल कोलैबोरेशन हो सकता है रियल टाइम किसी भी काम का तो आप किसी भी कंपनी के साथ कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हैं उसी तरह से अगर हम होलोग्राफिक इमेजेस और कॉल्स को ले तो जो चीज़ें आज साइंस फिक्शन लगती है वो कल रियलिटी हो सकती है जैसे कि हो सकता है कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ कोई सर्जन डॉक्टर इंडिया में किसी ऑपरेशन में लाइव मदद कर रहा हो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन सब चीजों को 5G कनेक्टिविटी के साथ में जोड़ते हैं तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो सकती है कई सारी चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कई सारी जॉब्स चली जाएंगी और कई सारी जॉब्स ऐसी क्रिएट होंगी जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते मतलब सारी दुनिया में उथल पुथल होने वाली है अगर आपने मेरा शुड इंडिया बैन वावे वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने कहा था कुल मिलाकर मतलब यह कि वावे चाइना का पोस्टर बॉय है यह चाइना के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल प्रावेश का एक प्रतीक है अगर आप चाइना के घमंड को तोड़ना चाहते हैं तो आपको वावे को तोड़ना होगा और चाइना खुद ब खुद टूट जाएगा लेकिन एक सवाल मेरे दिल में था कि आखिर इंडिया 5G जी रोल आउट में वावे और जी को कैसे रोक सकता है लेकिन आज रिलायंस ने न सिर्फ उस सवाल का जवाब दे दिया बल्कि हमें वावे का एक स्वदेशी विकल्प भी दे दिया और रिलायंस इसी टेक्नोलॉजी को आगे जाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि यह काम आसान नहीं हो सकता क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी को चुनौती दे रहे हैं वावे को जो यूएस को यह चुनौती दे सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी तुमसे एक साल आगे है और इसलिए तुम हमसे जलते हो आखिर वावे के पास 5G टेक्नोलॉजी के 3000 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। चाइना ने भी यूके को यह धमकी दी थी कि अगर वावे को यूके के 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से रोका गया तो वह यूके के न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाएगा हालांकि इसके बावजूद यूके ने अभी वावे को बैन कर दिया है कम्प्लीटली बैन कर दिया है 5G जी इम्प्लीमेंटेशन से और 2027 तक जितने भी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स यूज किए गए थे एग्जिस्टिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारे हटा दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कंपनी को रिप्लेस करना आसान काम नहीं होगा ये पहली बार हुआ है कि एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टेलीकॉम वेंडर बनने जा रही है और इस फील्ड में रिलायंस के नए एंट्रेंट होने के बावजूद रिलायंस की टक्कर है वावे जी एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ लेकिन इन सब के बावजूद रिलायंस ने यह तय किया है कि 5G टेक्नोलॉजी वह अपने बूते पर ना सिर्फ इंप्लीमेंट करेगी बल्कि वह पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने का विजन भी रखती है और मेरे ख्याल से यह बहुत बड़ा कदम है अगर हम टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनना चाहते हैं दुनिया के लिए एक क्रेडिबल पावर के रूप में उभरना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसरो की सक्सेस के बाद यह सबसे बड़ा कदम होगा मैं सोचता हूं कि इस कदम से पूरे देश का कायाकल्प हो सकता है और इसीलिए मैं इस न्यूज़ को लेकर के सुपर एक्साइटेड हूँ क्या आप भी इस खबर को लेकर इतने एक्साइटेड हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें अगर इस तरह की एनालिसिस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके मुलाकात होगी अगली वीडियो में